अस्सलामु अलैकुम, मैं जुलेखा अरफा, जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन फहीटा सैंडविच, चीज वाला, बहुत ही मजेदार, झटपट, घर पर सारे मसालों से ही बन जाएगा। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मसाले नहीं है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, तेल गर्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1.5 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसे मीडियम आंच कर बार बार चलाते हुए लहसुन को फ्राई कर लीजिए तकरीबन आधे पौने मिनट तक। ये देखिए चिकन को मैंने ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट के रखी, और ये 250 ग्राम चिकन बोनलेस है। मैंने थाई पोर्शन लिया, आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। जब आधा पौना मिनट हो जाए फ्राई करके, तो ये जो चिकन साइड पर रखी हुई है, ये चर्बी निकाली हुई है, धोई हुई है अच्छे से 2-3 पानी से, और नितारने के लिए मैंने 5-10 मिनट के लिए साइड पर रखा था। मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स किए, पतले पतले, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, और इसे बार बार चलाते जाएं। और अभी फिलहाल बार बार चलाते हुए मीडियम आंच पर आप तब तक पकाएं जब तक है ना पानी नहीं छूट जाता। नमक भी डाल दीजिए, सो दैट नमक के साथ भी तो पकेगी ना चिकन, तो अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये देख सकते हैं आप, पानी छूट गया ना, तो अब हम इसे पानी को भी ड्राई आउट कर लेंगे ऑल द मोस्ट। तो तभी भी इसे बार बार चलाते हुए आप पका लीजिए। जब ड्राई आउट हो जाए हमारी चिकन का पानी, चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच, और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, आप चाहें तो 1 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें, और 1 छोटे चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर डाल दीजिए। 1/2 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी डाल दीजिए इसके अंदर। 1 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर भी डाल दीजिए। 1/2 छोटे चाय का चम्मच ऑरेगानो या फिर मिक्स्ड हर्ब डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा डाल रही हूँ क्योंकि अभी क्विकली मसाला जले ना, एक बार चला लीजिए इसे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, अब हम जो चिकन पकी हुई थोड़ी नहीं है तो हमें वो पकानी है, तो मैं क्या कर रही हूँ 1/4 कप जितना पानी का छींटा डाल रही हूँ इसके ऊपर, मार लेती हूँ। इसे चला लीजिए और इसे ढक कर स्लो आँच पर 5-7 मिनट पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता और चिकन नहीं गल जाती। अब 4-5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं तेल छूट चुका है, मतलब चिकन भी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ प्याज, मेरी बड़ी प्याज थी तो मैंने लंबी लंबी काट कर डाली है। इसे चला लीजिए और मीडियम आंच करके इसे बार बार चलाते हुए 1 मिनट तक पका लीजिए प्याज के साथ चिकन को। तो हल्की सी प्याज भी हमारे हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी ना पकाने पर, चूल्हा मीडियम कर दीजिए। अब इसी के दरमियान में थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा नमक डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए ना, लेकिन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं नमक स्वाद अनुसार। अच्छा, चूल्हे को मैंने कर दिया स्लो, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना विनेगर डाल दीजिए। वैसे ये लाइट सोया सॉस है तो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, और ये 1 टेबल स्पून गार्लिक सॉस है, ये भी डाल दीजिए, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैं तीनों टाइप की शिमला मिर्च जो है उन्हें लंबा लंबा पतला पतला काट कर मैंने डाला है। अच्छा, ये शिमला मिर्च है ना बड़ी बड़ी थी तो मैंने आधी आधी डाली, अगर आपकी छोटी हो तो एक लीजिएगा, और इसे मिक्स कर लीजिए। अब चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच, और तकरीबन मीडियम आंच पे ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लीजिए। जब 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद, और इसे हल्का ठंडा हो जाने दीजिए। जब ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 4 टेबल स्पून टमाटर सॉस, और डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम जाते हैं ब्रेड की तरफ। 2 स्लाइस ब्रेड लिए हैं, सैंडविच के वाले जो ब्रेड आते हैं ना बड़े वाले, मैंने वो लिए हैं। आप नॉर्मल साइज भी ले सकते हो। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये जो हमारी चिकन का मिक्सचर है फहीटा का, ये दोनों ब्रेड के ऊपर अच्छे से इवनली स्प्रेड आउट कर दीजिए, एकदम कम मत डालिएगा। और जब आप ये स्प्रेड आउट कर दें दोनों ब्रेड के ऊपर, तो खूब सारी बारीक खुरच कर चीज़ डाल दीजिए। मैं हमेशा जो पिज़्ज़ा की चीज़ आती है वही चीज़ डालती हूँ, क्योंकि मुझे मोज़रेला जो स्ट्रिंग्स वाली होती है वो इतनी ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है, हमारे घर में खाई नहीं जाती है। बट आप खाते हो तो आप क्या कीजिए, आप पूरी तरीके से मोज़रेला चीज़ ले लीजिए, या फिर शेडार आधी डालिए और आधी मोज़रेला चीज़ लीजिए। चलिए अब इन्हें मैं थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस कर लेती हूँ, और जो दूसरे ब्रेड से इस तरीके से इससे कवर कर देती हूँ। और ये जो ऊपर वाला ब्रेड है इससे बहुत अच्छे से मक्खन लगा दीजिए चारों ओर, और इसे अब हम सेक लेंगे। तो चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, और तवा गर्म हो जाए तो जहाँ पर जो हमने मक्खन लगाया है वो वाला है ना नीचे डाल दीजिए हमारे इसके ऊपर, तवे के ऊपर, और इसे मीडियम या स्लो, मीडियम टू स्लो आँच पर 2-3 मिनट तक फ्राई कर लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। जब अच्छा रोस्ट हो जाए तो ऊपर वाले ब्रेड पे भी मैंने आपने देखा मक्खन लगा लिया है। अब इसे पलट दीजिए 1-2 मिनट के बाद,
और पीछे का साइड भी 2 मिनट तक इसे रोस्ट कीजिए, और दोनों ओर हो जाए 2-2 मिनट तो इन्हें निकाल लीजिए। अब इन्हें त्रिकोण शेप में काट लीजिए, जैसे हम सैंडविच के लिए कैसे काटते हैं। मैं आपको एक काट कर भी बता देती हूँ, ये देखिए कितने बढ़िया माशाल्लाह चीजी लग रहे हैं हमारे चिकन फहीटा चीज सैंडविचेस, रेडी है सर्व करने के लिए। वैसे मैंने कुछ सैंडविचेस की रेसिपीज, क्विक सैंडविचेस की रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड किए, आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। रेसिपी के अंदर काली मिर्च और लाल मिर्ची का पाउडर अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की, अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए वाले वीडियो को, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।